टेरिटरी ऑफ तमिलनाडु में आपका स्वागत है। पांचवा दिन है हमारी टूर का और हम जाने वाले हैं फ्रॉम मैसूर टू ऊटी। ये जो रास्ता है वो पूरा 160 किलोमीटर का है, बट ये जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है जो आपको मेरे को दिखाने का है। और वन अनदर नेशनल पार्क के अंदर से हमें जाने होगा इस बार भी। सो आई एम सो मच मोर एक्साइटेड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो ये अभी हम आ गए हैं यहाँ पे बंदीपुर नेशनल पार्क के गेट पे, और ये गेट खुलने वाला है 6:30 बजे। अभी हुई है 5:58 और चाय नाश्ता करके वी आर जस्ट रेडी टू गो इन। Shower. We are gonna be have one bed over here, and this would be another bed. Okay, so we have two beds together, and then we have this whole thing. So this is the Ooty, and Ooty welcomes you with lots of good architectures. So let's just have fun. A few moments later. So अभी मैं यहाँ पे अराउंड हम लोग 10:30 बजे ऊटी पहुँचे, और ये हमारा पूरा जो है वो रिसोर्ट, और अभी हम ऊटी में घूमने की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो प्यारा प्यारा घर जो है यहाँ पे, इतने अलग अलग कलर्स में अच्छी तरीके से घर बना हुआ है, विच इज़ लुकिंग सो गुड सो ब्यूटी, और उसका ही हम मज़ा लेने वाले। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, एंड यू मस्ट लुक इन टू दिस। और आगे के ब्लॉग पूरा देखते रहो, पूरा ब्लॉग देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये वाला। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड।
ये अभी हम सबसे जो पहला पॉइंट है वहाँ पे आया है जो है दोड़ा बिट्टा पॉइंट। ये मतलब ऊपर लास्ट वाला पॉइंट नहीं है लेकिन ये एंट्री वाला पॉइंट है, और जो दोड़ा बिट्टा का जो एंट्री है वो पूरा का पूरा आपको इस तरीके से लगता है। ये पूरी जो नीलगिरीज के जो पेड़ है वो है, और वहाँ पे नीचे आप जो देख रहे हो जो स्क्वेरिश टाइप आपको दिख रहा है वो चाय के गार्डन है, और यहाँ पे चाय जो है वो उगाई जाती है। और आप दूर दूर तक अगर देखो तो बहुत ही प्यारा व्यू आपको नज़र आता है। आप यहाँ पे मतलब लाइक मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ ये जो पॉइंट है वो थोड़ा हाइटेड पॉइंट है, सो आपको यहाँ से पूरा नज़ारा अच्छा मिलता है, और मतलब लाइक माउंटेन्स के ऊपर भी ऐसे ट्री जा रहे हैं तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। सो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ हाई हिल टी शॉप पे, और ये टी शॉप पे हम इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल चाय मिलती है जो है चॉकलेट टी। तो हम देखेंगे चॉकलेट टी कैसी लगती है और उसका टेस्ट कैसा रहता है। लेट्स जस्ट गो एंड सी। एक बेहतरीन चॉकलेट चाय पीने के साथ साथ जो व्यू मिल रहा था ऊटी का वो बहुत ही ज़बरदस्त था, और जो बादल एकदम नीचे से आ गए थे और जिस तरीके से पूरा व्यू पॉइंट बन रहा था कसम से बहुत ही प्यारा था, और आपको एक बार ज़रूर इस जगह पर आना चाहिए। फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रैवल अभी हम पहुंच गए हैं लैम्प्स रॉक पॉइंट पे, और ये जो लैम्प्स रॉक पॉइंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त वाला नज़ारा लैम्प्स रॉक पॉइंट का रहने वाला है। सो लेट्स जस्ट गो एंड लेट्स एक्सप्लोर के वो पॉइंट जो है वो कैसा रहता है और किस तरीके से हमें दिखता है। बाकी अगर आप देखो तो यू नो लाइक it is like something really great. इन्फॉर्मेशन है अबाउट लैम्प्स रॉक, वो उसका नाम कैसे पड़ा और किस तरीके से वो था आप उसको पूरा जूम करके पूछ सकते हो।